तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा हॉस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डब्ल्यूएससी पीईटी 2021 को लेकर, जिसके बारे में आयोग की तरफ से दो बड़ी घोषणाएं की गई हैं। दोनों ही अपडेट को हम कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को पीईटी से संबंधित सभी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर आपने मेरा सुबह का वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर ही मैंने आप सभी को जानकारी दी थी पीईटी की एक अपडेट के बारे में, जो कि आपके रिजल्ट के संबंध में थी। अब ऐसे में आयोग के चेयरमैन की तरफ से यहाँ पे जानकारियां दी गई हैं, क्योंकि इस पीईटी परीक्षा के अंदर लगभग 20 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। उन सभी का सबसे बड़ा इंतजार कहीं ना कहीं पीईटी के रिजल्ट को लेकर है और इसके बाद में आने वाली तमाम भर्तियों को लेकर, क्योंकि आगामी समय चुनाव का है। अगर ज्यादा इंतजार करना पड़ा तो कहीं भर्तियां चुनाव के पीछ में ना फंस जाएं, इसी को लेकर छात्रों की तरफ से बेसब्री से यूपी डब्ल्यूएससी पीईटी का इंतजार किया जा रहा है कि इसका जो परिणाम है वो घोषित किया जाए। उसी क्रम में चेयरमैन की तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी, कि भर्ती के लिए पीईटी का जो रिजल्ट होगा वो अक्टूबर में जारी किया जाएगा। मैंने सुबह के वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि चेयरमैन की तरफ से जानकारी दी जाती है कि आपका जो परिणाम होगा वो सितंबर के अंत में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। ज्यादा संभावना यह है कि सितंबर के अंत में जारी कर दिया जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के अंदर आपका जो परिणाम है वो जारी होगा, क्योंकि आयोग की तरफ से यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है वो अक्टूबर की ही है। उनकी तरफ से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का जो आयोजन किया गया था उसका परिणाम अक्टूबर में देने की तैयारी में जुट गया है। साथ ही आयोग के सचिव की तरफ से, मतलब कि अध्यक्ष की तरफ से जानकारी दी जाती है कि रिजल्ट आने के बाद में आगामी समय के अंदर जो नई भर्तियां होंगी, जैसे कि लेखपाल भर्ती या फिर इसके अलावा जो भी अन्य भर्तियां आने वाली हैं, उनकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आगामी समय के अंदर लेखपाल के लगभग 8000 पदों में वैकेंसी आने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की भी आपको एक वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा और भी कई वैकेंसी आने वाली है, जिसको लेकर आयोग के अध्यक्ष की तरफ से जानकारी स्पष्ट शब्दों में दी गई है कि रिजल्ट आने के बाद में जो नई भर्तियों के विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी, क्योंकि इसी का काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि आगामी अगर चुनाव से पहले किसी भर्ती का यहाँ पर परीक्षा करवा ली जाए तब भी छात्रों को काफी राहत मिल सकती है। बाकी यहाँ पे चेयरमैन की तरफ से जानकारी दी गई, उसके मुताबिक आपका जो परिणाम होगा वो इसी महीने के अंत में जारी कर दिया जाएगा और वहीं उसके बाद में नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो भी जारी हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।